और भाई अगर एक आप एयरपॉड प्रो अल्टरनेटिव लेना चाहते हो तो भाई ये बेस्ट है। हेलो दोस्तों, तो यार कैसे आप लोग। तो आज फिर से एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है भाई। हाँ, थोड़ी सी अलग जगह पे रहता हूँ आजकल मैं, क्योंकि भाई ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो तो आपके लिए ला रहा हूँ। तो भाई आज आप लोगों के लिए है एक बहुत ही तगड़ी चीज़ मेरे पास, जो है रेजर का हैमर हेड प्रो। और भाई ये रेजर के TWS गेमिंग TWS में प्रीमियम वाले हैं ये, और भाई इनका प्राइस भी एयरपॉड प्रो के प्राइस के जितना ही रहता है। इंडिया में थोड़ी सी अवेलेबिलिटी का इशू है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे एयरपॉड प्रो से भी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये गाइस देख सकते हो, कुछ इस तरह से मिलता है हमको रेजर का हैमर हेड प्रो। और भाई सामने की तरफ देख सकते हो लिखा है THX सर्टिफाइड, मतलब ये जो हेडसेट है THX सर्टिफाइड वाले हेडसेट है। अब ये THX सर्टिफाइड क्या है आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना, वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो सामने की तरफ देख सकते हो किस तरह से बना हुआ है रेजर का हमारा TWS, एंड यहाँ पे लिखा है हैमर हेड प्रो ट्रूली वायरलेस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ एडवांस हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ANC एंड 60 ms की लो लेटेंसी गेमिंग मोड में आप कनेक्ट करते हो तो क्विक अटेंशन मोड भी में दिया हुआ है। एंड राइट साइड में यहाँ पे रेजर की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ पे ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले में इसका ऐप रहता है ऑडियो करके, उससे आप इसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, एंड टैप करके भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। पीछे कनेक्टिविटी के बारे में कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, टच इनेबल कंट्रोल्स एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, देख सकते हो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको करेंगे अनबॉक्स। सो या गाइस देख सकते हो अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से हमें दिखता है हैमर हेड प्रो, एंड यहाँ पे एक पेपर वर्क आपको देखने को मिल जाता है, एंड पीछे की साइड में एक रेजर का स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो ये क्रोमा वाला स्टिकर है रेजर का, तो इसे भी आप चाहो तो भाई कहीं भी चिपका लो अपने अलमारी पे। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो भाई साहब, अंदर ये इसका केस रखा हुआ है, यहाँ पे दोनों पॉड्स रखे हुए हमारे, और ये केबल है, तो केबल को मैं पहले निकालता हूँ एक बार। तो यार भाई ब्रेडेड केबल है, और केबल की क्वालिटी एक नंबर है भाई, देख सकते हो क्या ही गजब की केबल है। और इसके साथ कैप भी दिए गए हैं, देख सकते हो केबल के साथ भैया कैप दिए गए हैं, और ये Type-A to Type-C केबल है भाई। इतनी तगड़ी क्वालिटी एक TWS में कौन देता है यार, बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है केबल की। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं इसमें आपको, यहाँ पे देख सकते हो एक फोम वाला भी ईयरबड मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, मतलब फोम का बना रहता है, वो रबर का नहीं रहता है, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखते हैं केस हमारा, ये है कुछ इस तरह का केस, देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा है केस। एंड उसके बाद ये दोनों पॉड्स रखे हुए हैं, पहले केस को हम ओपन करते हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग सी फीलिंग आई भाई। एंड अंदर पॉड्स ये रखना है हमें, जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे पॉड्स हैं इसके, ये कर लो और ये कर लो, निकल जाएंगे। सो यहाँ पे पॉड्स रख देते हैं हम। सो देख सकते हो अब ये रेडी टू गो है, कनेक्ट कराने के लिए रेडी है अपने फ़ोन से, तो चलो करा लेते हैं फटाफट से कनेक्ट अपने फ़ोन से इसे। करा लिया इसको मैंने कनेक्ट और अपने कानों में लगा लिया, देख सकते हो भाई बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, और ग्रिप्स काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, एकदम कंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कान से गिर जाएंगे या ढीला वाला एकदम नहीं लग रहा है। जो इनके साथ ईयरबड्स आते हैं उसी में ये मेरे कानों फिक्स आ गया, बाकी कई सारे दिए गए ऑप्शन में, जो चाहो आप उन्हें लगा सकते हो। एंड ओवरऑल भाई देख लो कुछ इस तरह से लग रहा है, और मैंने करा लिया इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट, एंड अभी मैं इसमें जो है म्यूज़िक वगैरह प्ले करता हूँ और देखता हूँ कैसे वर्क करता है। भाई ANC और ट्रांसपेरेंसी टाइप और एक ANC ऑफ मोड, तीन मोड आपको मिलते हैं, और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में ना भाई एकदम से पीछे AC की आवाज़ गायब हो जाती है पूरी, और काफ़ी तगड़ा लग रहा है। तो एक बार मैं इसमें आपको इसके माइक से आपको एक आवाज़ सुना देता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो रेजर हैमर हेड प्रो के माइक से सुन रहे हो, और भाई आप बताओ इसकी कैसी है माइक की क्वालिटी। और भाई इतने महंगे TWS हैं, इसमें मैं ये बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो भाई, बड़ी मुश्किल से दोस्त से मांग के लाके रिव्यू बना रहा हूँ यार, तो ठीक है लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई, और बताओ कैसी है माइक की क्वालिटी। इसके ऐप के बारे में देख लेंगे कि इसका ऐप कैसा चलता है, तो चलो अब मैं इसके ऐप के बारे में भी दिखा देता हूँ। सो गाइस ऐप का नाम है रेजर ऑडियो, तो ऐप को ओपन करते कुछ इस तरह से आपको ऐप दिखेगा, फिर आगे टैप करोगे आप अपने डिवाइस पे,
तो यहाँ पे कुछ तरह से आपको डिटेल्स दिखाई जाएंगी जहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज वगैरह बताया जाएगा दोनों ही बड्स का, और उसके बाद THX मोड भी देख सकते हो, इनेबल है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलिंग ऑन है, क्विक सेटिंग्स में गेमिंग मोड है हमारा, एंड की रीमैप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इक्विलाइजर सेटअप कर सकते हो अपना, जैसे अभी कस्टम पे है। फिर उसके बाद यहाँ पे की रीमैप में आओ तो देख सकते हो हर टैब में आप अलग अलग कंट्रोल्स लगा सकते हो, लाइक गेमिंग मोड, ANC ट्रांसपेरेंसी, वॉइस असिस्टेंट भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पे देखो, अगर आप अपडेट वगैरह करना चाहते हो तो आप इसी ऐप से अपडेट भी कर लोगे, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप वायरलेसली अपडेट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये अच्छी चीज़ है कि दोनों ही ईयरबड्स आपके कान में किस तरह से फिट आ रहे हैं ये आपका ऐप भी बता देगा। दोनों ईयरबड्स अगर परफेक्टली फिट हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा बोथ ईयरबड्स आर फिट परफेक्टली, क्योंकि सेंसर है इसमें ऑब्वियसली, अगर थोड़ा अच्छे से नहीं लगाओगे तो बता देगा कि भाई अच्छे से नहीं लगा है। तो अभी बात कर लेते हैं दोनों के कंपैरिजन की। तो भाई देखो, दोनों को मैंने ट्राई किया, दोनों को कंपेयर किया एक दूसरे से, बट उससे पहले ये बता दूं कि भाई दोनों ही सेम प्राइस में आते हैं, ठीक है। तो मे बी अमेज़न वगैरह पे ज़्यादा प्राइस दिखाया जा रहा होगा रेजर हैमरहेड प्रो का, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी के इशू की वजह से। सो सबसे पहले लुक्स वाला पॉइंट जाता है हमारे एयरपॉड्स प्रो को, एंड उसके बाद बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी वाला भी पॉइंट मुझे लगता है एयरपॉड्स प्रो को जाता है, क्योंकि भाई मतलब जो हैमरहेड प्रो को बनाने में क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज़ की गई है वो बहुत ही बढ़िया नहीं लगती मुझे यार, क्योंकि यार एक 18,000 का आप TWS खरीद रहे हो यार, कम से कम अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगनी चाहिए, प्रीमियम फील होना चाहिए, वो फील नहीं आता हैमरहेड प्रो में, वो फील आपको एयरपॉड्स प्रो में आता है। यस, एंड बात करेंगे ANC की, तो ANC दोनों में टाई है। यस, ANC दोनों में ही मैंने कोई डिफरेंस मेज़र नहीं किया, दोनों में ही एज इट इज़ ANC मुझे देखने को मिला। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट गेमिंग एंड लेटेंसी, तो गेमिंग एंड लेटेंसी वाला पॉइंट जाता है रेजर हैमरहेड प्रो को, क्योंकि ये एक गेमिंग वाले TWS है और इनकी लेटेंसी काफ़ी कम ट्यून कही गई है। अब पीस ऑफ एडवाइस मेरी तरफ से, आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हो तो रेजर हैमरहेड प्रो के लिए जाओ, फ़ायदे में रहोगे। अगर आप एप्पल यूज़र हो तो एयरपॉड्स प्रो के लिए जाओ, फ़ायदे में रहोगे। सो या ये छोटा सा एक कंपैरिजन मेरी तरफ से। तो ये कंपैरिजन से ना आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स हाईलाइट होकर आ गए होंगे रेजर हैमरहेड प्रो के। ये वर्जन 1 है इसका, वर्जन 2 भी शायद लॉन्च हो गया है, अगर वो मेरे हाथ जैसे ही लगता है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा प्रॉपर रिव्यू की। ये एक कंपैरिजन टाइप से वीडियो मैंने बनाया जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और भाई इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट भाई आपको यहीं देखने को मिलेंगे। और अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई एप्पल को कॉम्पीट करना बहुत आसान नहीं है, ख़ासतौर से म्यूज़िक और ANC के मामले में। तो यहाँ पे रेजर ने काफ़ी अच्छा काम किया है जो ANC में और इसके म्यूज़िक वगैरह में, जो कि एक गेमिंग TWS भी हैं, एक एड ऑन इसमें है, तो ये चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी भाई ये वाले हेडसेट्स में। तो देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हैं रेजर हैमरहेड प्रो के बारे में। आप लोग बताओ ये TWS कैसे लगी, और एयरपॉड्स और इनमें आपको चूज़ करना हो तो किसे चूज़ करोगे? मेरा मानो तो मेरे पास भाई सारे एप्पल के डिवाइसेज हैं, तो ऑफकोर्स मैं एयरपॉड चूज़ करूँगा। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो क्या आप एयरपॉड के लिए जाओगे या इसके लिए जाओगे, ये आपका एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। एंड ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो भाई अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो और इसके लिए जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, गेमिंग वगैरह में बहुत अच्छा चलता है, और बैटरी बैकअप एयरपॉड प्रो से ज़्यादा अच्छा इसमें आपको मिलता है, 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है एयरपॉड प्रो में, 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। ड्राइवर साइज की बात करें तो भाई ड्राइवर साइज में 10mm का ही मिलेगा और एयरपॉड प्रो में 13mm का मिलता है। एंड साउंड क्वालिटी एंड ऑल की बारे में बात करें तो भाई उसमें दोनों ही बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जो 19-20 का डिफरेंस कहते हैं वैसा है, 20 में किसको बोलूंगा, एयरपॉड प्रो को ऑफकोर्स। तो ये थी कुछ बातें ये वाले TWS के बारे में, अगर आप गेमिंग के लिए एक बढ़िया TWS देखना चाहते हो तो इनके लिए जा सकते हो। सो यार वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और ऐसे ही शेयर कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट। साले को देख के आता हूँ यार, एकदम डंडा कर दिया मेरे को।